के धुन में धड़के दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती बड़ी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। तो गुड मॉर्निंग, आज मेरा श्रीनगर में दूसरा दिन है और दूसरा दिन के स्टार्ट होते ही अभी जस्ट लाइट स्नोफॉल हुई है, मतलब रात में ही हुई होगी शायद, पर बहुत हल्की स्नोफॉल हुई है और मज़ा ही आ गया देख के व्यू। बहुत हल्की बर्फ गिरी है, मतलब लाइट है अभी ये जस्ट, जो पहले तो ऑलरेडी बर्फ थी पर ये बहुत हल्की बर्फ है तो इसको खा भी सकते हैं। खैर अभी खाने का कोई इरादा नहीं है, अभी चाय पीने का इरादा है और आज श्रीनगर में निकलना है मुझे कुछ जगहों के लिए लोकली, तो फिर मिलते हैं चाय पीने के बाद। लेक में कितने बोट हाउसेस होंगे टोटल? अराउंड अबाउट 900 हाउस बोट्स। 900? थैंक्स सो मच। दिस इज वन ऑफ द लेक मोर निकिन लेक। नागिन लेक। नागिन लेक। नागिन लेक या मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कल, नागिन लेक है यहां पे कोई। आजा केस फरक है जैसे बैठे वो एक कुछ बताया थे जहर पेट रही थी पूरी करके किसी के धुन में धड़के दिल के तराने लिए। अरे वाह, मिलन की मस्ती बड़ी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए। अरे वाह अंकल, गाना तो बहुत मस्त गाते हैं आप। डल लेक पे प्रॉपर गेट हाउसेस बने हुए हैं, जैसे मेरा वाला ये सामने वाला है गेट नंबर 9। कितने गेट्स होंगे टोटल? टोटल 15 से 20 गेट के आसपास हैं और हर स्पेसिफिक गेट पे मतलब बहुत सारे बोट हाउसेस हैं, जैसे वो एक शायद गेट नंबर 10 है और वो आगे गेट नंबर 11 होगा। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well दरगाह के अंदर हूँ अभी और ये दरगाह का फ्रंट व्यू है। इसका ऑपोजिट व्यू और भी खूबसूरत है बिकॉज ऑफ द डल लेक और दिस इज़ दी वन ऑफ द होलीएस्ट श्राइन्स इन कश्मीर यू कैन से, बिकॉज इट हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद और दिस इज़ नॉट अ यूजुअल प्लेस टू विजिट फॉर अ टूरिस्ट और अ ट्रैवलर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैवलर्स आते नहीं हैं, हमने देखा नहीं है, अभी बाहर भी नहीं देखा और लोग बोल भी रहे थे कि इट्स नॉट अ यूजुअल प्लेस, इवन कश्मीर यूनिवर्सिटी में टूरिस्ट नहीं जाते हैं। मेरे को ऐसे ही देखना था तो मैं चला गया बस वहाँ पे। बट क्या यू कैन विजिट बिकॉज मैं तो अकेले ही आया और मैं लोकल ट्रैवल से आया था, लोकल गाड़ियाँ गाड़ी में बैठ के बस में,
और आई डोंट थिंक देर इज़ एनी प्रॉब्लम लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक एंड ये ओल्ड कश्मीर का पार्ट है सो यहाँ पर टूरिस्ट ऑफन डू अवॉइड टू विजिट आई डोंट नो वाई बट या दे डोंट कम मच हियर एंड या दिस इज़ एन ऑसम प्लेस दिस इज़ अ पीसफुल प्लेस ऊपर हरी पर्वत है वहीं पे जाना है वो किले पे वहाँ पे मंदिर है और वो उधर बगल में दरगाह है और यहाँ पे इस साइड में गुरुद्वारा भी है इधर और वहाँ पे जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है जो कि हमें यहाँ से मिलेगी केबल कार भी जाते हैं वहाँ तक पर अभी आज केबल कार फ़िलहाल बंद है और परमिशन उस ऑफिस से मिलती है पर हेड 50-50 लेते हैं और मैं परमिशन ले कर आ गया हूँ तो अब मैं चल रहा हूँ हरी पर्वत की तरफ ये विष्णु भगवान के नाम पे पड़ा हुआ है हरी पर्वत तो ऊपर मंदिर में ही जाना था मुझे तो वहीं जाके देखते हैं श्रीनगर का ज़बरदस्त व्यू आता है ऊपर से पता नहीं ऊपर कैमरा अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे वो तो वहीं पता चलेगा पहले मैं मंदिर जाऊंगा उसके बाद से फिर फोर्ट जाना है मैं बस हरी पर्वत के फोर्ट पहुंचने वाला हूं अभी रास्ते में ही हूं और चेकिंग यहां पे बहुत अच्छी वाली होती है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक और मंदिर भी है यहां पे शारिका माता का उस पर भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट हियर और हाँ फोर्ट तो है ही विच इज़ मेंटेन्ड बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ये 18th सेंचुरी में बनी थी अब किसी अफगान गवर्नर ने बनाया था इसको बाद में अकबर ने वॉल्स कंस्ट्रक्ट कराए थे इस पर एंड या इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस बिकॉज यहाँ से श्रीनगर का एंटायर व्यू दिखता है और वो मंदिर और गुरुद्वारा और इधर वॉच टावर्स और यहाँ की दूसरी तरफ पूरा श्रीनगर और वो वहाँ पे मस्जिद है इफ यू आर अराउंड श्रीनगर देन डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस फोर्ट एट हरी पर्वत क्योंकि दिस इज मतलब सो फार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस आई हैव बीन इन श्रीनगर क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं मतलब मेरे ख्याल से भीड़ ही नहीं होती है यहाँ पे शंकराचार्य पे तो लोग थे वहाँ पे कुछ लोग थे क्योंकि होटल के जस्ट सामने पड़ता है बट हरी पर्वत पे मैंने किसी को नहीं देखा हाँ एक दो लोग दिख जाएंगे यहाँ पे जल्दी परमिशन तो मिल जाती है ईजिली यहाँ के लिए परमिशन लेना पड़ता है और यहाँ पे आपको आके श्रीनगर की और कश्मीर की खूबसूरती देखने को मिलेगी मंदिर गुरुद्वारा और मस्जिद तीनों ही इस फोर्ट में हैं एंड यू कैन विजिट दैट ऑल्सो एंड या This place is worth visiting. Without giving it a second thought, you must visit. And yeah, I enjoyed this place a lot. ये इंडिया का वन एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है यहीं डल गेट पे आज संडे है इसलिए यहाँ पे ऑफिस बंद ही दिख रहा है पर अंदर भी जाता मैं आज सेकेंड डे ऑलमोस्ट ख़त्म ही है ये 4-5 बज रही है और ये बसेस बहुत पुरानी टाइम के लगते हैं हमारे साइड तो नहीं चलते ये यहाँ पे चलते हैं छोटे वाले या आई एम लिविंग बैक फॉर माय हाउस बोट और कल मुझे निकलना है कल एक जगह और रह गई थी जाने के लिए आपको दिखाएंगे कल उसके बाद से फिर तो मुझे निकलना है कहीं और के लिए
अपने बोट हाउस पे वापस आ गया हूँ और आज की ब्लॉग में मैंने हरी पर्वत और हजरत बल कवर किया है। एंड टुडे इज़ माई लास्ट नाइट एट दिस बोट हाउस एंड माई ओनर हैज़ रियली बीन नाइस, लाइक ही हैज़ अ जेन्युइन रेट। मोस्टली बोट हाउस वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट इफ़ यू आर अराउंड लाइक डू चेक दिस बोट हाउस, अशोका बोट हाउस एट घाट नंबर 9। एंड टमोरो आई एम लिविंग 12 बजे के आसपास, सो आई होप यू हैव इन्जॉयड माई वीडियो टू नो दैट विच प्लेस आई विल बी विजिटिंग नेक्स्ट इन कश्मीर। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।